सो लेट्स कम टू द माइनिंग एंड इंडस्ट्री। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एनवायरमेंट की PT 365 आ गई है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी बट इकोनॉमी ख़त्म होने के बाद पढ़ाऊँगी। इकोनॉमी हम जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर बाइंड अप कर देंगे, उसके बाद हम एनवायरमेंट की तरफ जाएंगे, एनवायरमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो जल्दबाजी मत करिए, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स कम्प्लीट करवा दूँगी। ओके, सो लेट्स कम टू द माइनिंग एंड इंडस्ट्री एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो अभी पार्लियामेंट ने रिसेंटली माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ कि बिल के जो भी प्रोविजंस हैं वो कभी नहीं पूछे जाते हैं जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता, तो आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस लाए हैं। तो इन्होंने क्या अमेंड किया है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया है, और वो 2015 में एक बार और अमेंड हुआ था जहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन करके एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया। फिर ये एक्ट जो है फिर अमेंड हुआ 2016, 2020, 2021 में, और वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए इन सेक्टर्स में। पहला रिफॉर्म ये किया गया कि कैप्टिव और मर्चेंट माइंस जो थे उनके बीच में जो भी डिस्टिंक्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया, रिमूव कर दिया, मतलब कैप्टिव और मर्चेंट माइंस दोनों सेम हो गए। अब व्हाट इज़ कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस? कैप्टिव माइंस सिंपल होता है, जो भी कंपनी जो है जो भी माइंस निकाल रही है वही उस माइंस को ओन कर रही है, तो दैट इज़ कैप्टिव माइंस। मतलब जो कोल और मिनरल जो भी वो प्रोड्यूस कर रही हैं उस माइंस से, वो सिर्फ उस कंपनी के यूज़ के लिए रहेगा, ना कि कोई अदर के यूज़ के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड कैप्टिव माइंस, ठीक है। एंड मर्चेंट माइंस की बात करें तो माइंस जो कि अपने खुद के कंजम्पशंस के लिए बना रहे हैं या फिर दूसरों को सेल करने के लिए बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मर्चेंट माइंस, ठीक है। तो याद रखिएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस। कैप्टिव माइंस जनरली कंपनी खुद के लिए प्रोड्यूस, कंपनी जो है जो भी माइंस और मिनरल्स जो भी मिनरल्स प्रोड्यूस करती है वो माइंस जो है एक्सक्लूसिव यूज़ रहता है, सिर्फ कंपनी यूज़ कर सकती है, और मर्चेंट माइंस में आप कस्टमर को भी दे सकते हो। तो 2021, 2020, 2016 में जो अमेंडमेंट किए गए तो उसमें डिस्टिंक्शन जो था कैप्टिव और मर्चेंट माइंस का उसको रिड्यूस कर दिया गया, मतलब रिमूव कर दिया गया। दूसरी चीज़ जो रिस्ट्रिक्शंस था मिनरल कंसेशन का ट्रांसफ़र करने का, उसको भी रिमूव कर दिया गया कि आप मिनरल कंसेशन जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द एक्ट, अभी क्या क्या एक्ट है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। अब डीप सीटेड मिनरल्स जो हमारे नीचे रहते हैं बिल्कुल अर्थ के एकदम कोर वाले एरियाज़ में जहाँ पे भी हमको मिनरल्स मिलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन किया है अभी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का। तो अभी लाइसेंस की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि रिकनसेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन जो है फॉर क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेसेस जहाँ पे मिनरल मिलते हैं क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ऑपरेट कर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ उस प्लेस को स्टडी कर सकते हैं। अब ऑक्शन की अगर बात करें तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, एक्सप्लोरेशन मतलब मिनरल को एक्सप्लोर करना, बाहर निकालना, तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो ग्रांट किसके थ्रू किया जाएगा, ऑक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो भी हमको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए ज़्यादा पैसा देगा तो उसको हम जो है ऑक्शन के थ्रू उस मिनरल उसको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ग्रांट करेंगे, जो कि 7th शेड्यूल में दिया है MMDR एक्ट के। अब 7th शेड्यूल में 29 मिनरल्स आते हैं जिसमें लिथियम बेरिंग, कॉपर बेरिंग, पोटाश एंड जिंक बेरिंग मिनरल्स भी आते हैं। अब वैलिडिटी की बात करें एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की तो वो 5 साल तक वैलिड होगा और अप टू 2 ईयर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट आपको बढ़ा सकती है। माइनिंग लीज की बात करें, माइनिंग लीज का सिंपल मतलब है मान लीजिए ये एरिया माइनिंग का मेरे अंदर आता है बट मैं किसी को लीज में दे रही हूँ इतने टाइम तक के लिए कि आप जो है इस एरिया को एक्सप्लोर और वो करिए, तो माइनिंग लीज उसे बोलते हैं। तो ब्लॉक्स जो भी हमारे लाइसेंसी एक्सप्लोर करेंगे, जिनको हमने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया है, वो कोई भी मिनरल के ब्लॉक्स जो है अगर स्टडी करेंगे एक्सप्लोर करेंगे वो भी ऑक्शन किया जाएगा फॉर माइनिंग लीज, ठीक है। माइनिंग लीज के लिए ऑक्शन किया जाएगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन, जो कि हमको स्टेट गवर्नमेंट को बेटर रेवेन्यू देंगे, और जो भी एक्सप्लोरेशन एजेंसी है वो अपने ऑक्शन प्रीमियम को सेटल
शेयर करेगी जो भी माइनिंग लाइसेंस होल्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग लाइसेंसी। नेक्स्ट आते हैं ओमिशन ऑफ 6 मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। तो 12 एटॉमिक मिनरल्स जिसमें आते हैं वो पार्ट बी जो है फर्स्ट शेड्यूल का, उसमें से 6 मिनरल जो है हटा दिए गए हैं। कौन कौन से? बैरिल एंड बेरिलियम बियरिंग मिनरल्स, लिथियम बियरिंग मिनरल्स, नियोबियम बियरिंग मिनरल्स, टाइटेनियम बियरिंग मिनरल्स एंड आउट, टेंटेलियम बियरिंग मिनरल्स एंड जरकोनियम बियरिंग मिनरल्स एंड आउट। ओके, सो दीज मिनरल्स जो है इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है स्पेस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, और जो कि क्रिटिकल हैं कि वो नेट जीरो एमिशन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करते हैं। ओपनिंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो इन मिनरल्स जो है, इन जो भी इंक्लूजन है मिनरल्स का हमारे 12th इस लिस्ट में, एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट में, वो रिजर्व रहेंगे माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए गवर्नमेंट एंटिटीज, सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज कर सकती हैं। और इन मिनरल्स को रिमूव करने के बाद एक्सप्लोरेशन और माइनिंग जो है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया कि जितने भी 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं उसमें से 6 मिनरल्स जो हटाए हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी एक्सप्लोर कर सकती है, बट बाकी के जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज ही कर सकती हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया है रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर रिलेटेड टू ऑक्शन ऑफ मिनरल, ऑक्शन मिनरल कंसेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एक्सक्लूसिव पावर दिया है कि वो माइनिंग लीजेस को ऑक्शन करे और कंपोजिट लाइसेंस प्रोवाइड करे क्रिटिकल मिनरल्स को। कंपोजिट लाइसेंस का सिंपल मतलब होता है कि एक ही लाइसेंस प्रोवाइड करे फॉर प्रोस्पेक्टिंग, फॉर रिकॉन्सेंस, फॉर एक्सप्लोरेशन। तो ये हो गया पार्ट जी जो है फर्स्ट शेड्यूल, इंक्लूड्स क्रिटिकल मिनरल्स सच एज टंगस्टन, कैडमियम, मिनरल्स ऑफ रेयर अर्थ ग्रुप, फर्टिलाइजर मिनरल्स, मिनरल्स जो हमारे लिस्ट में रिमूव है एटॉमिक मिनरल्स से। अब रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बोला है कि इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑक्शन कंडक्ट कर सकती है, पर माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस जो है इन मिनरल्स के लिए सक्सेसफुल विडर्स को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो ओनली ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ऑक्शन प्रीमियम और अदर स्टेटरी पेमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही रिसीव करेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से ही रिसीव कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक्सप्लोरेशन के कुछ राइट्स दिए गए, फिर 6 मिनरल्स को ऑमिट किया गया कि वो 6 मिनरल्स जो है प्राइवेट पार्टनर, प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं वो भी एक्सप्लोर कर सकती हैं, बाकी के मिनरल्स जो हैं वो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया रिलेटेड टू ऑक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल्स एंड माइंस, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स अभी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक पहली रिपोर्ट रिलीज की है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जहां पे उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया, और लिस्ट जो है वहां पे 30 क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं जिसमें से 17 रेयर अर्थ मिनरल्स आते हैं और 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो 15 लैंथेनाइड्स जो नीचे वाले ग्रुप होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में नीचे दो ग्रुप्स होते हैं वो उसमें देखा होगा, 57 विच 71 तक आते हैं, और स्कैंडिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इट्रियम 39, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो क्लासिफाइड है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है क्लासिफाइड है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब क्रिटिकलिटी दो पैरामीटर से जज की जाती है, पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दूसरा है सप्लाई रिस्क। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे कैसे? डिसरप्शन पोटेंशियल, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, GVA मल्टीप्लायर स्कोर एंड क्रॉस कटिंग इंडेक्स, ठीक है। और सप्लाई रिस्क में अगर बात करें तो गवर्नेंस, वेटेज, मिनरल कंजम्पशन, कंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ लाइफ साइकिलिंग रेट्स, इंपोर्ट रिलायंस एंड सेल्फ सफिशियंसी, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ओके, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम क्रिटिकलिटी मिनरल्स की जानते हैं। और लिस्ट जो है वो बहुत सारे फ्रेमवर्क बताती है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग सेक्टर। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स वो एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो सप्लाई चेन के रिस्क में है, मतलब अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा तो वो रिस्क में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर एट्सेट्रा। अब इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया अगर बात करें तो इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज से क्रिटिकल मिनरल्स को इम्पोर्ट करती है, लाइक कोबाल्ट जो है वो चाइना, USA, जापान से आता है, लिथियम चिली रशिया चाइना से आता है, और निकल स्वीडन एंड
चाइना से आता है। अब ये मिनरल्स जो है वो हर जगह यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, यहाँ हर जगह यूज़ हो रहा है। तो इंडिविजुअल की नीड और स्ट्रेटेजिक कंसिड्रेशन के कारण जो है डिफरेंट कंट्रीज से जो है उनकी खुद की लिस्ट है और डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया इम्पोर्ट करते हैं। अब इनिशिएटिव जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया ने लिया है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये एक न्यू सप्लाई चेन बिल्डअप करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो हमारे ऑस्ट्रेलिया से आएगा। फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया ने MSP ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि US लेड कोलैबोरेशन है जहाँ पे 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और इनका एम यही है कि जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके सप्लाई चेन को कैटलाइज किया जाए थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इंडिया जापान चाइना ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि वो सप्लाई चेन जो है इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाएंगे रिलायंस, ठीक है, तो सप्लाई चेन जो है वो बढ़ाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। नेक्स्ट आते हैं ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब दो टाइप के ऑफशोर मिनरल्स, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, ऑफशोर एंड ऑनशोर मिनरल्स। ऑफशोर का मिनरल्स का मतलब सिंपल होता है जो हमारे ओशंस में रहते हैं, सी बेड में जो हमारे मिनरल्स रहते हैं, दैट इज़ ऑफशोर मिनरल्स। ऑनशोर मिनरल्स की अगर बात करें जो हमारे अर्थ के अंदर रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑनशोर मिनरल्स। याद रखिएगा, लेयर्स जो अर्थ के अंदर रहते हैं उनको ऑनशोर मिनरल्स बोलते हैं, ऑफशोर मिनरल्स उन्हें बोलते हैं जो हमारे सी बेड के अंदर रहते हैं। अब रिसेंटली ऑफशोर एरिया मिनरल्स बिल अमेंडमेंट बिल 2023 को अभी प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, तो ये एक्ट बन गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्ट जो है ये अमेंड कर रहे हैं ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002 को, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका रेगुलेशन और डेवलपमेंट टेरिटोरियल वाटर्स में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और अदर मैरीटाइम जोन में होना चाहिए। अब अनक्लॉस एक हमारी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे हमने डिफाइन किया कि टेरिटोरियल वाटर्स कहां तक होते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल्स अगर बेस लाइन से है तो उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलेंगे, ठीक है। अब ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज पूरी तरह कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। ऑफशोर माइनिंग का सिंपल मतलब है जो भी मिनरल डिपॉजिट है वो डीप सीटेड सी बेड जो है एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स जो ओशंस में होते हैं वहाँ से हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, दैट इज ऑफशोर मिनरल्स। अब व्हाट आर द की चेंजेस इन द एक्ट, 2002 में क्या चेंजेस, 2002 में क्या था और 2023 में क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला क्या करते थे कि लाइसेंस की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप के लाइसेंस बोलते हैं, तो मतलब आपको स्टडी करना है अगर मिनरल्स को तो उसके लिए अलग लाइसेंस मिलेगा, एक्सप्लोर करना है मिनरल्स को तो उसके लिए अलग लाइसेंस मिलेगा, प्रोडक्शन करना है तो आपको अलग लाइसेंस मिलेगा, तो 3-4 लाइसेंस आपको कैरी करने पड़ते थे। बट ऑफशोर मिनरल्स एक्ट 2023 के अंदर आपको कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा फॉर ऑल द थ्री, मतलब सिर्फ एक ही लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एक्सप्लोरेशन एज वेल एज फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट वैलिडिटी अगर बात करें तो प्रोडक्शन लीज की वैलिडिटी 30 ईयर्स थी और 20 ईयर्स बढ़ा सकते थे, बट यहाँ पे एक कंपोजिट लाइसेंस की वैलिडिटी जो है वो 50 साल ही कर दी है उन्होंने, बढ़ाना बढ़ाना वाला काम नहीं है। ऑक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के थ्रू आपको कंसेशन मिला जाएगा। बट ऑफशोर मिनरल अभी जो एक्ट आया उसके अंदर दो टाइप्स के ऑपरेटिंग राइट्स प्रोवाइड किए हैं टू द प्राइवेट सेक्टर बाय कॉम्पिटिटिव बिडिंग, मतलब कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे, एंड जैसे कि प्रोडक्शन लीज और कंपोजिट लाइसेंस। फिर माइनिंग इन रिजर्व एरियाज, तो 2002 के एक्ट में बोला था कि गवर्नमेंट जो है ऑफशोर एरियाज को जो है गवर्नमेंट टू रिजर्व ऑफशोर एरियाज दैट आर नॉट हेल्ड अंडर एनी ऑपरेटिंग राइट, तो गवर्नमेंट को ही रिजर्व होगा। बट अभी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अलाउ किया है कि वो ग्रांट कर सकते हैं कंपोजिट लाइसेंस और प्रोडक्शन लीज टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट को दे सकते हैं। सो दीज आर द चेंजेस जो हमारे 2023 के एक्ट में आए। अब न्यू प्रोविजन्स कुछ एक्ट किए गए हैं, तो माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, तो एटॉमिक मिनरल्स को माइनिंग जो है, प्रोडक्शन जो है, एक्सप्लोरेशन सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के पास ही होगा, ओनली गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट की अगर बात करें तो वो जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर मैनेज किया जाएगा, जो कि नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल का सिंपल मतलब है कि अगर इस साल यूज नहीं हुआ तो आप अगले साल उसको यूज कर सकते हैं, और फंड जो है स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, लाइक एक्सप्लोरेशन इन ऑफशोर एरियाज एटसेट्रा। सो दीज आर द चेंजेस जो एक्ट में किए गए, एंड दीज आर द 2002 के एक्ट में क्या क्या था। नेक्स्ट आते हैं नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्टर ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, और ये क्रिएट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 की जो है, और यहाँ पे ये बोला गया कि जितने भी जियोलॉजिकल जियो
केमिकल जियोफिजिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा है वो एक प्लेटफॉर्म पे आप प्रोवाइड करिए, जो कि हमारे जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसको इस्टेब्लिश करेंगे। अब इसकी अगर बात करें तो इसका सिंपल मतलब है कि जितनी भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है हमारी कंट्री में वो हमारे प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एनहांस्ड हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए कि पब्लिक भी जो है उसको देख सके और उन प्रोसेस को एनहांस कर सके। की फीचर्स की अगर बात करें तो जितने भी हमारे आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स हैं उनको ऑक्शनिंग करें एक्सप्लोरेशन के लिए थ्रू बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। अब दो टाइप के बेसिस आते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग में सिंपल मतलब होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी मनी आ रहा है उस मिनरल एक्सप्लोरेशन से, वो जो है सबके बीच में शेयर हो, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, तो रेवेन्यू जो है शेयर होना। प्रॉफिट शेयरिंग में होता है कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर होता है, रेवेन्यू नहीं शेयर होता। रेवेन्यू के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आता है वो शेयर किया जाता है, रेवेन्यू नहीं शेयर किया जाता। रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस में आपको पूरा रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा। फिर बेसलाइन जियो साइंस डेटा जो है एज अ पब्लिक गुड क्रिएट करना है, एंटायर कंट्री को जो लो लैटिट्यूड में है, क्लोज स्पेस फ्लाइट में है, उनको प्रिसाइजली लोकेट करना है, द डीप सीटेड जो भी मिनरल्स हैं उनको। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1851 में बना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है ये जियोलॉजिकल डेटा जो है नेशनल का, मिनरल रिसोर्सेज एडमिट, ये सारी चीज़ें करते हैं। और इसके कुछ रीजनल ऑफिस हैं लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी नोटिफाई किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स 2023, जो कि सेक्शन 55 है SEZ का, वो हमको बताते हैं। अब SEZ की बात करें, सबसे पहले SEZ होता क्या है, तो SEZ जो है स्पेसिफिकली ड्यूटी फ्री एनक्लेव है, डीएलिनेटेड ड्यूटी फ्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे ही कंट्री में कुछ कुछ SEZs बनाए गए हैं कहीं कहीं जगह, तो वो SEZ जो है एज अ फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पे एक्सपोर्ट जो है हमारा जीरो रेटेड होगा। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट में कोई भी हमारे कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी, डीम टू बी अ फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड ऑपरेशन ड्यूटीज एंड टैरिफ। ठीक है, तो जितना भी हम ट्रेड कर रहे हैं SEZ के साथ उसमें हमारा कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड SEZ, इसलिए बनाया जाता है। वॉट इज़ द ऑब्जेक्टिव, तो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, दूसरी चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज से बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी जनरेट होती है। अब SEZ की बात करें तो कोई भी पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट जॉइंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एजेंसीज, कोई भी एजेंसी सेटअप कर सकती हैं SEZ, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी इस्टेब्लिश किया है SEZ। अब SEZ एक्ट 2005 जो है वो अनैक्ट किया गया था, और उसके बाद SEZ रूल्स भी बनाया गया। अब एरिया जो है SEZ के अंदर क्या क्या कवर करते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो गए, फ्री जोन्स, इंडस्ट्रियल ई स्टेट, फ्री ट्रेड जोन्स, फ्री पोर्ट्स, अर्बन एंटरप्राइजेस जोन्स एंड अदर्स। इंडिया में बात करें तो 276 SEZs हैं जो कि ऑपरेशनल है इंडिया में। टोटल एक्सपोर्ट जो है SEZ से $155.8 बिलियन हुआ है इन 2022-23। अब इंसेंटिव्स क्या क्या ऑफर किए जाते हैं SEZ को, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब आप इंपोर्ट जो है, जो SEZ में इंपोर्ट कर रहे हैं वो ड्यूटी फ्री होगा, जो भी डोमेस्टिक से, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई SEZ बनाए, मान लीजिए गुजरात के पास कोई SEZ बनाए, तो गुजरात से जो भी चीज़ें स्टेट से आ रही हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी गुड्स अगर प्रोक्योर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, और ये सब GST में सब्ज्यूम हो गए हैं। अदर लेवीज की बात करें, अदर लेवीज भी अगर गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है तो हो जाएगा। सप्लाईज जो है SEZ में आर जीरो रेटेड है, जितना भी आप सप्लाई कर रहे हो तो उसमें कोई भी वो नहीं रहेगा, और सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट SEZ। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़। तो SEZ फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स 2023, जिन्होंने SEZ रूल्स 2006 को अमेंड किया है, और सेंटर ने बोला है कि SEZ रूल्स को अमेंड करेंगे कि जितने भी हमारे नॉन प्रोसेसिंग एरिया हैं उनको प्रोसेसिंग एरिया से हम डिमार्केट करेंगे, अलग करेंगे। डिमार्केट किस एरिया में करना है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज हैं उनको नॉन प्रोसेसिंग एरिया डेवलप करेंगे, और उनको जो है टैक्स कंसेशंस वगैरह के रीपेमेंट भी किया जाएगा। अब प्रोसेसिंग एरिया जो है SEZ में अगर बात करें तो दो टाइप के एरिया होते हैं, प्रोसेसिंग एरिया, नॉन प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया में क्या होता है, जो हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विसेज को बढ़ाते हैं, और डिमार्केशन नॉन प्रोसेसिंग एरिया वो होते हैं
जो नॉन प्रोसेसिंग एरिया होते हैं जहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नॉन प्रोसेसिंग एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग एरिया जो है गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब डिमार्केशन जो है वो तब अलाउड नहीं होगा अगर हमारा SEZ का एरिया जो है 50 प्रोसेसिंग एरिया का जो एरिया है, प्रोसेसिंग जो जहाँ पे हो रही है उस एरिया को हम अगर कम कर रहे हैं 50% से, तो तब जो है हमारा डिमार्केशन अलाउड नहीं होगा। अब बिजनेस इंगेज्ड इन IT एंड ITES एंड SEZ इज़ द नॉन प्रोसेसिंग एरिया, और उनको जो है कोई भी फैसिलिटीज़ और कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे जो हमारे SEZ को अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूटी फ्री और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने बहुत बार पढ़ा है। तो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो अदर सेक्टर्स को, न्यू सेक्टर्स को नहीं देंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स हैं PLI स्कीम के अंदर। तो PLI स्कीम के अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर है। मेडिकल डिवाइसेस, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मा ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हार्डवेयर, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, स्पेशलिटी स्टील, वाइट गुड्स, फार्मा API एंड KSM, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, ACC बैटरीज, ड्रोन्स एंड ड्रोन्स कंपोनेंट। तो ये सारे जो है सेक्टर्स हमारे PLI स्कीम के अंदर आते हैं। व्हाट इज़ PLI स्कीम? तो 2020 में दिया गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा कि आप और प्रोड्यूस करो और हमारी इकोनॉमी को बढ़ाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ये 2020 में है। तो PLI जो है स्पेशल इंसेंटिव स्कीम है जो हमारे प्रोड्यूसर्स को दी जाती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बहुत सारे मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाएं मल्टीपल सेक्टर्स में। अब ये जो है इंसेंटिव परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है कि जितना भी आप इंक्रीमेंटल सेल्स कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा। PLI स्कीम जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में बिल्डअप की गई विथ आउटले ऑफ ₹1.97 लाख करोड़, जो हमारे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है और क्रिएट हमारे ग्लोबल चैंपियंस क्रिएट करती हैं। अब व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PLI स्कीम? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग हब को, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको ग्लोबल चैंपियंस बनाना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में, और सेल्फ रिलायंस अचीव करना जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उनको। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो पहली चीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट करते हैं, बिकॉज PLI अगर बात करें तो इंडिया का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रीस्ट्रक्चर करेंगे बाय GDP का 25%, सेल्फ रिलायंस और एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो PLI स्कीम के कारण जो है पोटेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट किया गया है 2.5 to 3 lakh crore होगा, एंड इट विल अकाउंट 13 to 15% ऑफ एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। स्पर ग्रीन इन्वेस्टमेंट नियरली 55% ऑफ द स्कीम जो है ग्रीन सेक्टर्स में किया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट PLI। अब PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी नोटिफाई किया है PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम, जो कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे इन द IT सेक्टर। अब मोर अबाउट न्यूज़ में देखें तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वो जो है हमारा ग्रो हुआ है फ्रॉम 2014 to 2022। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स? तो पहली चीज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं IT सेक्टर्स का, इन्वेस्टमेंट का। लैपटॉप, टेबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जो स्कीम है 6 years के लिए दी गई है और 17,000 crore आउटले दिया गया है, और ये एप्लीकेबल हो कि नेट इंक्रीमेंटल सेल जो है मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट का ओवर द बेस ईयर सब्जेक्ट टू डिफरेंट सीलिंग। अब व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स? तो बोला गया कि टोटल प्रोडक्शन अबाउट 3.35 lakh crore जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमको लाएगा 2,430 crore इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, और जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 75,000 एडिशनल डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम, 6 years के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि एक न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे फॉर सेटिंग अप सेमी कंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। सेमी कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये हर सेक्टर में यूज होता है, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे IT इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया 2021 में ये प्रोग्राम, और ये जो भी कंपनीज हैं
वहाँ से इंसेंटिव सपोर्ट्स जो है प्रोवाइड करेंगे कंपनीज़ और कंसोर्टिया को जो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंगेज है, डिस्प्ले फैब्स में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में। और ये जो स्कीम है वो 6 ईयर्स तक दी जाएगी, मतलब इसके अंदर जो भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन विद इन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन मेटी जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट साइज़ की बात करें तो इंडिया का जो है सेमीकंडक्टर मार्केट वैल्यू $64 बिलियन हो जाएगा बाय 2026 और 3 टाइम्स ग्रोथ है जो कि 2019 से। चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया जो है हब है फॉर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का विद नियरली 2000 चिप्स डिज़ाइन पर ईयर। R&D की बात करें तो R&D जो है इंडस्ट्री में जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो हमको जनरेट करेंगे $2.5 बिलियन इन रेवेन्यू। अब 4 स्कीम जो है मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर है। पहली है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, दूसरा डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, तीसरा सिलिकॉन फोटोनिक सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब, सेमीकंडक्टर ATMP, ये सारी चीज़ें इंडिया में सेटअप करना, और डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि 100 डोमेस्टिक कंपनीज जो है जो भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में वर्क कर रही है उनको नर्चर करना और उसको इंडिजिनाइज्ड करना पूरी तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो दीज आर द 4 स्कीम्स जो मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर सिनेरियो और इंडिया का रोल की अगर बात करें तो मेजर प्रोड्यूसर सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के लिए ताइवान है हमारा प्रेजेंटली, 60% वो प्रोड्यूस करते हैं और वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर ओवर 90% मोर एडवांस्ड वन। इंडिया का रोल की बात करें तो इंडिया जो है क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फील्ड में, ठीक है। इंडिया US ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 2021 में और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी स्कीम लॉन्च की फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। नेक्स्ट आते हैं नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी ड्राफ्ट रिलीज़ किया है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 जो कि फार्मेसी एक्ट है हमारा 1948 का उसको हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे और एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को चेंज करके उसका नाम क्या रख देंगे, नेशनल फार्मेसी कमीशन। अब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजिस्लेशन, ऑब्वियसली नेशनल हेल्थ गोल को प्रमोट करना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, एजुकेशन को बढ़ाना, जितने भी हमारे हाई क्वालिटी फार्मेसी प्रोफेशनल हैं उनको करना, ग्रेवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना कि जितने भी रेलेवेंट मैटर्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको रेड्रेस करना और ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करना जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है और फार्मेसी रजिस्टर मेंटेन करना फॉर इंडिया। अब फार्मेसी सेक्टर इंडिया की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट है हमारे वर्ल्ड में बाय वॉल्यूम जो कि 60% ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन को अकाउंट करता है। मेजर सेगमेंट जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं वो जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन, बल्क ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिस, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हमारी फार्मेसी सेक्टर के अंदर आती हैं। अब 70% ऑफ द WHO वैक्सीन जो है वो इंडिया से ही जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल DPT, BCG ये सब इंडिया से जाते हैं बाकी कंट्रीज़ में। नेक्स्ट आते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो फार्मेसी जो है इंडिया में उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। इसमें जो है यूनिफॉर्म ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल काउंसिल उन्होंने बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोला गया और एक्ट जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बना सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेटरी बॉडी अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ये फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन और प्रैक्टिस जो है फार्मेसी में उसको बढ़ाते हैं, रेगुलेट करते हैं। फंक्शन इनका क्या है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करना, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करना, उनको स्टडी करना और सेंट्रल रजिस्टर जो है फार्मेसिस्ट का उनको मेंटेन करना। अब व्हाट इज़ द की चेंजेस जो हमारे ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन्स में किए गए हैं, तो पहला नेशनल फार्मेसी कमीशन क्रिएट करोगे जिनका फंक्शन होगा कि जितने भी गवर्नेंस रिलेटेड फंक्शन है वो इनको ट्रांसफ़र किया गया। इंडस्ट्री के साथ कोलाबरेट करेंगे, अदर इंस्टीट्यूशन के साथ कोलाबरेट करेंगे रिलेटिंग टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो आज की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें में वर्क करेंगे और एपिलियट ज्यूरिडिक्शन भी एक्सरसाइज करेंगे ऑन डिसीजन ऑफ बोर्ड। अब 3 बोर्ड इस्टेब्लिश किए गए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 बोर्ड इस्टेब्लिश करेगी, फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल फार्मेसी बिल। नेक्स्ट आते हैं नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। तो कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है नेशनल मेडिकल डिवाइसेस
पॉलिसी 2023। अब मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो जितने भी इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी मेडिकल सेक्टर में यूज़ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। एम इसका यही है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को ग्रो करना 11 बिलियन है अभी, पर अभी 50 बिलियन करना बाय 2030। फैसिलिटेट करना कि हमारे मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर जो है ऑर्डरली ग्रो हो, जो इतने भी पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करें। अब मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर की बात करें तो इंडिया की इंडस्ट्री जो है करंटली फोर्थ लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है आफ्टर जापान, चाइना, साउथ कोरिया, और सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है बहुत सारे नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज का, जो हमारे 75-80% जो है मेडिकल डिवाइसेस जो है इम्पोर्ट करती हैं। What are the salient features of the policy? तो regulatory streamline की बात करें तो single window clearance system बनाना है licensing के लिए, enhance करना है BIS का role और coherent policy बनानी है। enabling infrastructure की बात करें तो जितने भी medical devices park हैं उनको establish करना है और strengthen करना है, उनको common infrastructure provide करना है। R&D की बात करें तो center of excellence establish करना है academic और research institution में, जो हमारे R&D provide करेंगे। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी एनकरेज करना है, फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगी फॉर प्रोफेशनल्स रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। पार्टनरशिप डेवलप करेंगी विथ फॉरेन अकेडमिक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी बनाएंगी फॉर मेडिकल डिवाइसेज। ब्रांड पोजिशनिंग एंड अवेयरनेस क्रिएशन की बात करें तो एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्रिएट किया जाएगा फॉर द सेक्टर, और लर्निंग भी हम बेस्ट ग्लोबल की प्रैक्टिसेस के साथ सीख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलियन फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं रिलेटेड न्यूज़। तो असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ स्कीम, ये स्कीम जो है मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई बाय प्रोवाइडिंग उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगी टू स्ट्रेंथन एंड एस्टेब्लिश टेस्टिंग लेबोरेटरी। फिर ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है। 2027 तक इनका टर्म है। अब व्हाट आर द स्कीम्स के दो कंपोनेंट है, पहला है कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए, दूसरा है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए। कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए अगर बात करें तो जितने भी मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना कि वो जो है अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करें बाय क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिसमें बोला है कि इंसेंटिव्स कितना प्रोवाइड करेंगे। तो 70% जो है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का जिनका कॉस्ट ₹20 करोड़ है और जो भी कम है वो प्रोवाइड करेंगे, और हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ₹20 करोड़ पर क्लस्टर और 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज़। तो जितने भी मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना और उनकी क्वालिटी को बूस्ट करना, और इसमें जो है 70% ऑफ द अप्रूव्ड टेस्टिंग फैसिलिटी और जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 करोड़ है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट के लिए 5 करोड़ और 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ हमारा दिस सेक्टर। आई विल स्टार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।